अभी तक तकरीबन 12-13% के आसपास मतदान हुआ है। अगर मैं नारायणगढ़ की बात करूं, नारायणगढ़ में हम मौजूद हैं। जो हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकृष्ण गुर्जर साहब, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया, मतदान उनकी तरफ से किया गया। उनके साथ जो उनकी धर्मपत्नी है विधायक शैली चौधरी जी, वो भी मौजूद रही। सर, आपने अपने मत का इस्तेमाल तो कर लिया, प्रदेश की जनता क्या क्या मूड लग रहा है? प्रदेश की जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है? सबसे बड़ा जो प्रदेश की जनता का इस टाइम मूड की बात है, बदलाव का। प्रदेश की जनता का मूड है बदलाव का। वो हरियाणा में बदलाव चाहती है। पिछले 10 साल से जो सरकार थी उसकी नीतियाँ वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ, जन विरोधी नीतियाँ रही और लोगों ने मन बनाया हुआ है। और खाली बदलाव नहीं, अच्छी तरह बदलाव होगा। आप कह रहे हैं कि अच्छी तरह बदलाव होगा। सीएम साहब ने हमसे बातचीत की, वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी नया रिकॉर्ड बनाएगी, तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी, बीजेपी की हैट्रिक लगेगी। ये हारने के बाद भी कहते रहेंगे, जब ये हार जाएंगे उसके बाद भी कहते रहेंगे हमारी हैट्रिक होनी थी, हमारा ये होना था। कहीं कुछ नहीं, फैसला जनता ने करना है और जनता का मन बन चुका है। लेकिन मुद्दा कौन सा बड़ा होगा जिस मुद्दे पर जनता वोट डालेगी? बीजेपी तो कह रही है कि जो हमने विकास किया, विकास के नाम पर वोट पड़ेंगे। विकास किया हो जभी तो वोट पड़े। धरातल पे तो कहीं कुछ नहीं है। जो 9.5 साल मुख्यमंत्री जी रहे, उन्होंने तो पूरे हरियाणा को पोर्टल पे घुमा के रखा। युवाओं के साथ वादे बड़े बड़े किए, कहीं रोजगार की बात नहीं है। कानून व्यवस्था कहीं नहीं है। हर वर्ग दुखी है। किसानों को लाइनों पे लगा के रखा, धरनों पे बैठा के रखा। किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं? इनके पास वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा, मैम से पूछता हूँ। मैम, आप विधायक भी रहे हैं और महिला भी हैं, उस नाते सबसे पहले आपको क्या लगता है प्रदेश की महिलाएं किन मुद्दों पर वोट करेगी? राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था महिला सुरक्षा के नाम पर जो महिलाएं हैं वोट करेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। महिलाओं के साथ आज क्या हो रहा है? कोई भी महिला सुरक्षित नहीं समझती अपने आप को। मैं गाँव में जा रही हूँ, छोटी छोटी लड़कियाँ मिलती हैं, वो मेरे से सवाल करती हैं कि मैडम हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ है सरकार के अंदर? इन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, मेडल जीत करके लेके आए, उनको कैसे पीटा गया? क्या किया इन्होंने महिलाओं के लिए? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां तो सुरक्षित नहीं हैं आज। तो मैं तो यही कहूंगी, पूरी हम लोगों को उम्मीद है कि महिलाएं मेरे साथ हैं। महंगाई से बहुत त्रस्त हैं महिलाएं। नारायणगढ़ की जनता का क्या मूड लग रहा है? नारायणगढ़ की जनता पहले भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ है। कांग्रेस ने आप सभी विधायकों को टिकट दिया, क्या लगता है सभी विधायक जीत कर आएंगे? कुछ विधायकों को दिक्कत लग रही है, आपको क्या, आपका क्या मानना है? देखो, हरियाणा का तो मैं इतना नहीं आप ज्यादा बता सकते क्योंकि मैं तो अपने चुनाव में बिजी हूँ। मुझे उम्मीद है कि सभी जीत करके। आपके इलाके का पूरा मूड क्या, उत्तर हरियाणा का, इस बेल्ट का मूड क्या है? मुख्यमंत्री भी इसी इलाके के हैं, यहाँ का क्या मूड है? सभी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जीटी रोड बेल्ट के जरिए ही चंडीगढ़ तक का रास्ता आता है। जीटी रोड बेल्ट पिछली बार बीजेपी के साथ थी, इस बार क्या लगता है? आप हरियाणा का इतिहास उठा के देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि उत्तरी हरियाणा जिसको हम कहते हैं, यहीं से सरकार बनती है, जिसके साथ ही है वो सरकार बनाते हैं। तो अब की बार ये पूरा जीटी रोड कांग्रेस के साथ। एक सबसे बड़ा सवाल है कि आप कुमारी शैलजा के बड़े करीबी नेता माने जाते हैं और बीजेपी की तरफ से भी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा है कि शैलजा जी के साथ जो भी किया टिकटों में और जो टिप्पणियां की, दिल मिलते नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, शैलजा जी के। आपका क्या लगता है कि सभी कांग्रेस नेताओं को दिल मिलते हैं, दिल नहीं मिलते? कहीं पर आपस में बैठ के किसी बात पर हमारे विचारों में फर्क आ सकता है। झंडा एक है, आपने नारायणगढ़ में देखा, हुड्डा जी भी थे, शैलजा जी भी थे, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी थे, सारे लीडर एक स्टेज पे थे, एक मंच पे घूमे और शैलजा जी हुड्डा जी इकट्ठे राहुल जी के साथ पूरे हरियाणा में प्रचार किया। तो बीजेपी दावा कर रही है, बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि हरियाणा के 62 सीटें आएगी, आप लोग कितनी सीटें क्लेम करते हैं? मैं समझा नहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हमारी 62 सीटें आएंगी बीजेपी की। आप जैसे इनकी 400 आई थी, जैसे इनकी पिछले चुनाव में 75 आई थी।